सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी से हम बनते हैं और मिट्टी में हम वापस मिल जाएंगे। मिट्टी हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर हमारा जीवन अस्थाई है, हम इस दुनिया में तीर्थ यात्री और अजनबी हैं। मिट्टी नम्रता का भी प्रतीक है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि हमने एक नई राह पर कदम रखा है, हमें आशीष दे ताकि हम इस तीर्थमय दुनिया में नम्रता का जीवन जी सकें। पौधा, एक पौधा जीवन का प्रतीक है। पौधा हमारे लिए जीवन भी देता है, यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रभु यीशु जो सत्य मार्ग और जीवन है, वे हमें अपना जीवन प्रदान करे ताकि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु में संजो कर रख सके। फल, फल पृथ्वी की उपज है और साथ ही हमारे मानव श्रम की उपज है। हे प्रभु ईश्वर, हम अपनी आपसे हमारे काम और प्रयासों पर आशीष की प्रार्थना करते हैं ताकि हम हमेशा आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार और अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। रोटी और दाखरस, रोटी और दाखरस एकता का प्रतीक है जो मनुष्यों के हाथों से पृथ्वी के फसल से बनाई गई है। ये उपहार निस्सह बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा का की प्रभावकारिता के माध्यम से यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाएगा। हे प्रभु, हम आपसे हमारे तन मन को अपने शांति के योग्य साधन बनने के लिए प्रार्थना करते हैं।